इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत भूपेश। सबसे पहले तो क्योंकि आपने ये नारा लगाया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो सबले बढ़िया एक और चीज होने जा रही है, वो है NDTV का सबले बढ़िया चैनल, जो कि उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आज लॉन्च हो रहा है। जरा एक बार चला। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैंने भूपेश जी एक चीज और नोटिस की यहाँ पर, कल बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग, कुछ जो मरीन ड्राइव है ना रायपुर की तेली बांधा जी, वहां पर भी बहुत सारे लोग थे। वो कैमरा देख करके तो थोड़ा सा शर्माते भी हैं, लेकिन फिर हौसला जमाया उन्होंने और आ गए। और एक जो बहुत रोचक चीज जो छत्तीसगढ़ के बारे में पता चली वो ये है कि यहाँ के लोग, अगर आप फर्ज कीजिए कि वो आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, तो जिन नीतियों से सहमत नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जिससे सहमत हैं वो भी बोल देंगे। मतलब ऐसे कट्टरता नहीं है कि अगर मैं आपका विरोधी हूं तो मैं धुर विरोधी हूं, फिर मुझे आप में कुछ अच्छाई नहीं दिख रही, और अगर दूसरे का समर्थक हूं तो मुझे उनमें कुछ ऐब ही नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो आपको लगता है ये जो मध्यम मार्ग है, दिमाग खुला रखना कि आपकी अच्छाइयां भी दिख रही हैं, आपकी बुराइयां भी दिख रही हैं, दूसरे की अच्छाइयां भी दिख रही हैं दूसरे की, यही छत्तीसगढ़ की पहचान है। जी हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ में आप त्रेता युग से देखें, भगवान राम वनगमन यहाँ किए, ननिहाल भी है। यदि आप कृष्ण के द्वापर की बात करें तो पर भी आपको यहाँ उसकी कुछ न कुछ स्मृतियाँ हैं। बौद्धकालीन आप कहें तो बौद्ध के बड़े स्मारक यहाँ हैं, और उसी जगह में आपने अभी तस्वीर दिखाई लक्ष्मण मंदिर की, तो वो बौद्ध परिसर के अंदर ही है। वहाँ वैष्णव भी है, वहाँ शैव भी हैं, तो वहाँ जैन भी है, वहाँ बुद्ध भी है, वो सब उसी परिसर में आपको दिखेगा। तो सारे जो पंथ है या समुदाय है, संप्रदाय है, उसका समन्वय आपको देखना, तो सिरपुर चले जाइएगा, आप देखेंगे कट्टरता कहीं नहीं है। इसलिए खुले मन से दूसरे के विचारों को भी सुनने की क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के नेताओं में है, ये बिल्कुल जनता में तो है, नेताओं में है या नहीं? बिल्कुल है। जिस प्रकार से, जैसे मसलन आपकी बात कर लें जी, आपको अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी बुराइयां तो दिखती ही होंगी, लेकिन क्या उनमें से कोई एक ऐसी चीज दिखती है जो कि आपको लगे कि ये ठीक कर रहे थे, इसको जरा आगे ले जाया जाए? बहुत सारे, देखिए आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारा हुआ, मुख्यमंत्री बदला, तो एरावत या क्या बना रहे थे, वो जो राजधानी बंद करा दिया। हमने नया राजधानी बंद नहीं कराया था, वो चल रहा है। यूपीए सरकार ने भोजन का अधिकार दिया, 5 किलो चावल दिया, पिछले सरकार ने 7 किलो कर दिया। मैं बोला ये गलत है। राशन कार्ड BPL को मिलता था, APL को मिलता नहीं था। मैं बोले ये भी गलत, उसमें सुधार किया जाए। तो हमने सबको राशन कार्ड दिया और सबको 35 किलो दिया। तो ऐसा नहीं है कि पिछले सरकार ने कुछ काम किया उसको बंद कर दो, ये हमारा नहीं रहा। पिछले सरकार सात प्रकार के लघु उपज खरीदते थे, हम 65 प्रकार के खरीद रहे हैं। क्या यही वजह है भूपेश जी की, नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से बाहर आ गए? बिल्कुल सही बात है। ऐसा माना जाता है कि दो तरीके की एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी कि जो सरकार है वो, एक तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी 5 साल सरकार रही, और एक होती है सरकार के जो विधायक हैं उनकी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की उनकी एंटी इनकम्बेंसी। इन दोनों फ्रंट पर आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए जहां तक के गवर्नमेंट की बात है, तो हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर, हर विधानसभा में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, तो वहाँ सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई नहीं देती, चाहे शहर हो या गांव, नाराजगी दिखाई देती है वो MLAs के खिलाफ कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उससे और थोड़ा सा नीचे जाएं तो विधायक तो अच्छा है, उसके साथ जो आसपास के जो लोग हैं 2-4 लोग वो गड़बड़ हैं,
तो वह एंटी इंडियमिसी उस स्तर पर भी है। ये तो बीजेपी से जुड़े हुए बहुत सवाल हो गए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए अभी कांग्रेस और तमाम और दल मिल करके INDIA अलायंस बनाया है और इसको प्रधानमंत्री ने घमंडिया अलायंस भी बोला और बीजेपी ने और भी तंज कसे, लेकिन इसी अलायंस के अंदर जो दो दल हैं वो एक दूसरे के साथ दिखते भी हैं लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी रहते हैं, जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आप ही के राज्य में छत्तीसगढ़ में INDIA अलायंस जरूर है लेकिन अरविंद केजरीवाल यहां आकर के प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं और संभवतः यहां पर चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें गठबंधन कहां अपने आप को पाता है और आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को छत्तीसगढ़ में जो उनका आगमन हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जहां तक के उस बैठकों में मैं था भी नहीं उसके किस प्रकार से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहे हैं उसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर हूं उससे। हमारे सीनियर लीडर उसको देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। वही मैं संकेत जी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए मुझे, अब बीच में काट रहे हैं मैं, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय स्तर पे सारी चर्चाएं हो रही है। अभी पहले पटना में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, अब 31 और 1 तारीख को मुंबई में होने वाला है। तो ये 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बैठकें हो रही है। अभी जो लोग और जो राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में शायद इसके बारे में कोई बात ना हो। और यदि अरविंद केजरीवाल जी आए हैं तो आए अभी सभी बहुत सारे दल के लोग आएंगे और अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, वो सब लोग करेंगे, हम लोग भी बोलेंगे सब, उसमें क्या है। लट्टू से लेकर गेड़ी से लेकर के, तो इस बार मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा गाते हैं मुझे मालूम है, तो एक क्योंकि यहाँ राम की बात हो रही है, यहाँ हिंदू की बात हो रही है, तो अगर कोई राम भजन आपके मन में हो या जो भी चीज आप गाना चाहें ये तो अच्छा धर्म संकट में डालते हैं हर समय कुछ न कुछ फंसाने काम करते हैं, लेकिन हर दो बार तो बच गया हूं श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भय दारुणम नव कंज लोचन कंज पद कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।